स्थित वार ना जोगी जाने रुत महा ना कोई, जा करता सिर ठीक हो साजे आपे जाने सोए। धन धन गुरु नानक देव जी द्वारा लिखिया इन्हां महापंक्तियां अनुसार कोई भी जीव, कोई भी मनुख, कोई भी जोगी किसी भी दिन, रुत या महीने बारे कोई भी ज्ञान नहीं रखता। कोई भी जीव समय की परख नहीं कर सकता। वह करता जिसने आप इस दुनिया नू, इस ब्रह्मांड नू, इस समय नू सिरजिया है, वह आप ही समय का जाणू है। वह करता आप ही अपने बनाए समय की पहचान रखता है। इसका सब तो वड्डा प्रमाण साडे सामने अज ऐ साल है। इस साल एक अधिक सूखम जीव के कारण फैली महामारी कारण अज पूरी दुनिया एक दूजे तो दूर हो के अपने घर च बंद है। अज समा इजाजत नहीं देंदा कि असी सारे आप जी दे सन्मुख आके सिख धर्म दे मोढ़ी, आप निरंकार, आप करता, दोहां धिरां दे मालिक तन 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 श्री गुरु नानक देव जी दे गुरपुरब नूं मना सकीए। पर अज गुरु नानक पब्लिक स्कूल दे 12वीं जमात दे विद्यार्थी आप सारयां दे सामने एक वीडियो राहीं तन तन श्री गुरु नानक देव जी दे 591 गुरपुरब दियां खुशियां लैके आए हन। इस वीडियो राहीं असी सारे आप जी नूं ते आप जी दे परिवार नूं गुरु महाराज दे गुरपुरब दियां लख लख वधाइयां भेंट करना चाहुंदे हां। एक वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं आप सारयां दा अज दे इस प्रोग्राम च हार्दिक स्वागत करदा हां। भाई गुरदास जी अपनी वारा विच कहंदे ने, सुनी पुकार दातार प्रभ गुरु नानक जग माहे पठाया। भाई गुरदास जी कहंदे ने, जदों मनुखता उते हो रहे जबर जुलम अते धर्म दे नाते हो रहे अत्याचार दी हद हो गई, फिर उन्हां ने उस दातार दे अगे पुकार कीती, अपनी फरियाद कीती। फिर दातार ने, निरंकार ने उन्हां दी फरियाद पुकार सुनी अते कत्तक दी पूर्णमाशी वाले दिन गुरु नानक देव जी ने अवतार तारिया। श्री गुरु नानक देव जी दा जन्म पिता मेहता कालू जी दे घर माता तृप्ता जी दी कुखो बेदी कुल विच होया। आप जी दी वड्डी भैन जी दा नां बेबे नानकी जी सी। कल युग में कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपिए ल्याए ध्याना, इन्हां महावाकां उत्ते चलदे होए असीं सब तो पहला अज शुरुआत करांगे भाई गुरदास जी द्वारा लिखी वारा अंदर एक शब्द, सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंद जग चानन होया दे सरवन नाल। भाई गुरदास जी सानू समझाना करदे ने कि जिस समय गुरु साहब जी का प्रकाश होया उस समय इस धरती ते अज्ञानता दी अंधेर छाया होया सी। गुरु साहब जी दे प्रकाश नाल अज्ञानता दी अंधेर मिट गई, उस एक ओंकार दी रोशनी हर थां फैल गई। सतगुर नानक प्रगटिया मिट्टी धुंद जग चानन होआ। सतगुर नानक प्रगटिया मिट्टी धुंद जग चानन होआ। जो कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ। तारे छपे अंधेर पलोआ सतगुरु नानक प्रगटिया। Good night.
जग नौखंड पृथ्वी सचा टोआ गुरमुख कल विच परगट होआ गुरमुख कल विच परगट होआ मिटी तुंद जग जानण होआ सतगुर नानक परगट छपे अंधेर बलुआ सतगुरु नानक परगटिया सच यह है कि गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन अंदर सानू तीन मुख उपदेश दिते। पहले मुख उपदेश अंदर गुरु साहब जी ने हुक्म कीता कि ओ मनुख ओ जीव ही सुंदर ते चंगा लगदा है जो कीर्ति होवे। गुरु साहब ने सानू किरत करन ले प्रेरिया, मनहाली किरसानी करनी सरम पानी तन खेत नाम बीज संतोख सुहागा रख गरीबी वेस। गुरु साहब जी ने सानू दूजा हुक्म देंदे हुए समझाया कि जिथे एक मनुख नू किरत करनी जरूरी है उथे ही उस वाहिगुरु अकाल पुरख दा नाम ध्याना भी जरूरी है। गुरु साहब जी ने सानू नाम बाणी दा सिमरन करन वास्ते भी प्रेरिया अते जपजी साहब दी बाणी विच समझाना कीता कि जिनी नाम ध्याया गए मसक्कत काल नानक ते मुख उजले कीती छुट्टी नाल। तीजे मुख उपदेश अंदर गुरु साहब सानू समझाना करदे ने कि जिथे किरत करके असी जो कमाया है अते नाम बाणी नाल सानू जो सोझी आई है वो सानू समझौती है कि जो असी कमाया सानू वह वंड के छकना है। जिथे गुरु साहब जी ने अपने जीवन अंदर 20 रुपए का सच्चा सौदा अते मोदी खाने अंदर 13-13 तोल के वंड छकन की सेध दिती उथे गुरु साहब जी ने बाणी विच किया अकली पढ़ के बूझिए अकली कीचे दान नानक आखे राह एहो होर गल्ला सैतान। श्री गुरु नानक देव जी जिथे सिख धर्म के मोढ़ी सन उत्थे ही सब तो पहला आप जी ने औरतों के सम्मान लिए आवाज उठाई। बरत ना रहो ना मेहरम दाना तिस से भी जो रखे निधाना एक गुसाई अल्लाह मेरा हिंदू तुर्क दोहाने बेरा। I observe neither Hindu fasting nor the rituals of Muslims of Ramadan month. The Lord of the universe of Hindu, Gosai and Allah are one for me. We are neither Hindus nor Muslims, as our body belongs to one supreme God. Guru Nanak Dev Ji's teachings can be turned as a model of inter-religious harmony on which he laid the foundation of Sikhism. Tantra, mantra and yantra, operations, inequality, idol worship are some of the wrong practices undertaken by the people who wrongly believe that performing such empty penances and customs shall bring them special assistance from the God Almighty. But God cannot be found in these ritualistic obligations. Yanya khat sastar hoye aata purak kumbhak rechak karmata nyan tyan tirath isnani som paak apras udyani ram naam sang मन नहीं हेता जो किछ कियो सो अनेता। Today, on the auspicious occasion of the celebration of Guru Nanak Dev Ji's Prakash Purv, let us recall how he disagreed to wear the cotton thread, reminding the priest to make compassion the cotton, contentment the thread, modesty the knot, and truth the twist. This is the sacred thread of the soul. Both Saint Kabir Ji and Guru Nanak Dev Ji preached against the hypocrisy being committed by the people in the name of religion. In one of his sakhis, Saint Kabir Ji beautifully said, Kehet Kabir, suno re loi, param na pulo koi, kya kasi, kya ugar magro, ram hriday jo hoi. And explained people not to be foolish to say that those who die at Kashi reach heaven and others who die at Magar reach hell. At Jagannath Puri, Guru Nanak Dev Ji was perplexed on observing that
the priest was giving more importance to the rituals rather than the worship of Lord Jagannath. And Guru Nanak Dev Ji spontaneously recited the Maha Aarti. Gagan mein thal, Rav Chand Deepak bane, Tarka Mandal, Janak Moti. Upmale aanlo, Pavan Chavro kare, Sagal ban rai, Fulant Jyoti. Guru Nanak Dev Ji's Aarti conveyed that nature's tribute to the Creator is superior to any ritualistic obligation offered before the images. In the end, I would just like to say, Nivali karam poangam paathi rechak purak kumbh kare. You are performing the rituals of inner purification, inhaling, exhaling and holding the breath. Bin Satgur, kich soji nahi, parme pula bood mare. Without the true guru, you shall drown and die. Ik Onkar, there is only one God, and the need is to live the life of righteousness to protect every creation of God, to take away back from all the rituals, and to worship and remember only one God. वाह मेरे दाता अजब तेरी ये माया है दुखिया दे दुख दूर हरने विचनन काणे आया है विचनन काणे जन्म लिया जत सदगुर नानक प्यारे ने मिट्टी तुंद जग चानन हुआ दित्ते आण दिदारे ने पंडित जिसदम खट्टे होके टेवे लगन लावण जा देख के उस दिन जन्म कुंडली मन ही मन मुस्कावण जा कोई आखे ए वली औलिया तपदे हृदय ठारेगा कोई आखे ए पीर पैगंबर डूबदे पत्थर तारेगा कौतक सारा अखी वेख के अपना आप भुलाया सी एक दिन पिता कालू जी कहंदे बन जा कोई व्यापारी तू वेला फिरना चंगा नहीं है सांभले हुण जिम्मेवारी तू आले फर तू 20 रुपए चंगे थां ते लावी तू सच्चा सौदा करके पुत्रा खट के घर नू आवी तू यह गल सुन के नानक कहंदे चंगा वणच कमावांगा ऐसा काम करूं पिता जी वादा करके आवांगा 20 रुपए लेके जिस दम पाया सतगुर चाला सी पिछे पिछे उस दे चलिया संधु जट भाई बाला सी पिंडों बार दूर दराड़े तदे साधु आंदे सी टिड्डों भुखे पिंड्यों नंगे राम नाम पैगाउंदे सी साधु तक के सतगुर कहंदे चंगा वणच कमावांगा सच्चा सौदा करके एथों घर नू मुड़ जावांगा खर्च के 20 रुपए सतगुर साधुआं ताई खवा दित्ते सच्चा सौदा करके दाते चाले कर नू पा दित्ते पाले जी ने कालू ताई सारी गल सुनाई है कालू जी ने गुस्से विच आके चंड करारी लाई है पेंदी मार वीर नू देख के पैन नानकी आई है होर ना मारी बाबुल मेरे पाई हाल दुआई है बाबल जी तुसी भोले पाले भेत ना इस दा पाया है मैनू ए अवतार जापदा जग तारण नू आया है अक के आखर कालू जी ने कल्या मजियां चारण नू होर भी गल्लां नाल समझाइयां करदे कम सवारन नू मजियां चारन गए सी वेखो की खेल रचाउंदे ने खुलियां छड़ के मज्जां ताई जंड हेठ आ पैंदे ने सुतियां नू हुण देर हो गई टल गई मुखतों छाया सी शेष नाग भी फन खोल के छां करन नू आया सी सतगुर जी दे मुखड़े उत्ते आके फन फैलाया सी संगड़े रुखा नालो ज्यादा संगड़ी उसदी छाया सी साथ आपने पैन नानकी नानक ताई लियान देने वेखो विच सुल्तानपुरी दे की खेल विखान देने मोदी खाने अंदर जिसदम नानक एह बिनाया है अजब निराला कौतक उत्थे नानक फेर दिखाया है तेरा तेरा कह के सतगुर सौदा सच्चा तोल रहे वाहेगुरु 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 दाता मुख अपने चो बोल रहे चुगली खोर ने अखी तक के जाके चुगली लाई है लोधी जी तुसी जाके वेखो नानक हट लुटाई है लेखा पत्ता करके सतगुर सारा खेल सुड़ा दिता कट कमान ते वादू वी जो लोधी ताई फड़ा दिता बावा दुखियां दे ले दाते
की खेल रचाया है। पुल्ले पटके बंदियां ताई सिद्धे रस्ते पाया है, सिद्धे रस्ते पाया है। अंत विच मैं आप सारे नाल एक ही गल सांझी करना चाहवांगा, खत्री ब्राह्मण सूद वैस उपदेश चौं वर्णा को सांझा, गुरमुख नाम जपे उधरे सो कलमे कट कट नानक मांझा। गुरु नानक देव जी केवल सिख धर्म दे नहीं बल्कि पूरी मनुखता दे सांझे गुरु सन। अज दा इह शुभ दिहाड़ा केवल सिख धर्म वास्ते नहीं बल्कि पूरी मनुखता वास्ते बड़ी खुशी दा दिन है। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन अंदर सदैव मनुखता नूं एक होण दा अते उस वाहिगुरु दी एक होंद दा उपदेश दिता। अंत विच मैं आप नूं ते आप सारिआं दे पूरे परिवार नूं 12वीं जमात दे सारे विद्यार्थियों वल्लों एक बारी फिर तन तन श्री गुरु नानक देव जी दे गुरपुरब दीआं लख लख वधाइयां देना चाहांगा। होईआं भुल्लां चुकां लई माफ़ी, साध संगत आप बख्शनहार है। फतेह दी सांझ करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।